अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होगे और मज़े में होगे। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। सर मैं एक बात बता रही थी, मेरी बहुत सी प्यारी सी एक सब्सक्राइबर ने बोला कि आप अपना म्यूज़िक चेंज कर लें आप ही। तो मैंने म्यूज़िक चेंज किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसने बोला। तो आप लोग इस तरह से मुझे बता सकते हो कोई भी बात आप अच्छी ना लग रही हो या बोर कर रही हो। तो फिर मैंने म्यूज़िक चेंज किया। इधर मैंने बनाए थे मुर्गी के पंजे, कमल को बहुत ज़्यादा पसंद है ये। वो तो इतनी दूर रखी चीज़ें, इधर ला के रखूँ? मैं उधर पकड़ती, ठीक है। मैं इधर रखती हूँ ना ये वाली चीज़ें। लगी हूँ वार्डरोब की क्लीनिंग, इसका कुछ इस तरह से हाल हो पड़ा। तो समर के कपड़े हैं उनको निकाल दूँगी, इधर से भी बहुत बुरा हाल हो पड़ा क्योंकि अक्सर कभी कभी जुहान भी कपड़े ले लेता है तो उसके बाबा भी, तो बहुत अनऑर्गेनाइज हुई पड़ी है। तो मैं इसको अब करती हूँ सेट। विंटर के कपड़े निकाली, विंटर के कपड़े रख देती हूँ और जो निकाल के मैं बैग में रखती हूँ। तो अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बच्चों को मैंने सुला दिया है, उनको सुला के आई। मैंने सोचा सबसे पहले ये काम करूँ क्योंकि मौसम एकदम से चेंज हो गया, बल्कि आस्ता आस्ता ही हो रहा, तो उसकी वजह से बच्चों के गले ख़राब, खांसी वगैरह तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा आज ये वाला काम कर लिया जाए। वैसे मैंने आप लोगों को बताया था मैं कहीं जा रही थी, मैं नहीं गई क्योंकि प्लेन चेंज हो गया था हमारा। अभी सैटरडे तक जाएंगे या सैटरडे संडे को। तो मैं अपना आप काम करती हूँ स्टार्ट। इधर मैंने पहले जोहान के कपड़े निकाले, उनको सेट करके रखूँगी क्योंकि वो जोहान के कपड़े ज़्यादा थे, उसके कपड़े रखने वाले थे। अनाया के भी वैसे थे, पहले मैंने सोचा जोहान के कर लेती हूँ, जल्दी से सारा काम कर लेती हूँ बच्चों के उठने से पहले। तो इधर मैं बैठी भी नहीं थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी से काम करती हूँ अगर दोनों बच्चे उठ गए। अनाया तो माशाल्लाह फिर भी ठीक है, जुहान को बहुत ज़्यादा फ्लू है और उसे खांसी भी है, जिसकी वजह से ना उसकी तबीयत डिस्टर्ब हुई पड़ी, मतलब ज़िद ज़्यादा कर रहा है। तो मेरा यही इरादा था कि वीडियो तो बनानी है, मैं अब रोज़ बनाती हूँ तो अपना काम ही जल्दी से वाइंड अप कर लूँ। गला मेरा भी आज ख़राब था, बहुत ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, मुझे भी फ्लू है हल्का हल्का, तो इसलिए मैं बैठी भी नहीं थी। तो मैंने सोचा जल्दी से अपना काम कर लूँ। पहले मैंने जुहान के कपड़े किए साइड पे और उसके मैंने विंटर के कपड़े तो पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था वॉश कर लिए थे, वो तो मैंने निकाल लिए थे। यही ठीक मौसम होता है इसमें ही काम होता, आगे सर्दी आ जाएगी। सर्दियों में तो हर वक्त तबीयत सुस्त रहती है, ऐसा लगता है कि बस ना ब्लैंकेट में ही रहे बंदा हर वक्त, और फिर भी हमें काम तो करना पड़ता है। पर जो ये वाले काम होते हैं ना, यही मौसम होता है कि काम कर लिया जाए। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपना काम इधर वाइंड अप कर रही हूँ। मैंने सुबह का नाश्ता बना दिया था, रोटी बना के मैंने रख दी थी क्योंकि मैंने कहा तब कमर आएगा फौरन खा लेगा। और ये अनाया के कपड़े हैं, अनाया के कुछ कपड़े तो इतने ज़्यादा क्यूट हैं, सारे कपड़े उसे मैंने दिल से बनवाए थे, कुछ उसे गिफ्ट आए थे, कुछ कपड़े से गिफ्ट आए थे, वो भी मतलब ना सारे एक एक दफ़ा इसने पहने गर्मियों कपड़े। और अब जब नेक्स्ट समर आएंगे तब तो उसे बिल्कुल भी नहीं आने वाले, और कुछ तो कपड़े ऐसे हैं जिन्हें पहनाया ही नहीं समर के। तो मैंने इतने ज़्यादा कपड़े बनवा लिए थे एक्साइटमेंट में इसके, इतने ज़्यादा कपड़े। अब तो ये लाइट का बहुत ज़्यादा इशू, ये मैंने वार्डरोब सेटिंग कर लिया। इधर मैंने जुहान के कपड़े रखे ये वाले, मतलब अब इस मौसम के हैं, इधर कुछ विंटर के हैं और इधर नीचे के अनाया के कपड़े हैं, अनाया के भी मिक्सी हैं। और ये सारा पोर्शन जुहान का है, इसमें सारे जुहान के विंटर के कपड़े हैं। और ये इधर से मैंने ये रखती हूँ, कुछ फ्रॉके वगैरह स्टिच करवाई थी इनके नीचे, तो इनर आ जाएगा, इनर से चल जाएगा क्योंकि बिल्कुल न्यू है, ये भी एक दफ़ा पहनाया है इसे ड्रेस। और इधर की मैंने सेटिंग कर दी है कुछ इस तरीके से, इसकी कैप वगैरह इधर रख दी है और उसमें हेड बैंड, इसमें सॉक्सीज और इसमें इसकी
क्या बोलते हैं उनको, जहन में से निकल गया, ये आप लोगों को पता होगा। तो और इसमें इसके कुछ ना लोन के कपड़े हैं, लोन के हैं जो मतलब अभी स्टिच होने थे तो करवानी, ये भी वैसे मुझे खाली करना पड़ेगा क्योंकि ये तो ऐसे ही रखा है, ये मैंने देखा ही नहीं। इसे भी मैं करती हूँ अभी सेट, इसमें से देखते हैं कि इसमें मैंने रखा क्या क्या हुआ। वैसे इसमें ये लोन के दो पीस है, मैंने सोचा अनायको समर में मतलब काम आ जाएंगे, ये भी मैं उसके समर के कपड़ों में रख देती हूँ। और ये भी एक छोटू सा फ्रॉक है, इनका तो कोई काम नहीं है, ये भी उसका ड्रेस, ये भी उसका ही है, तो इनको भी मैं इसमें रख देती ताकि ये भी हो जाए। और ये वाली तो फ्रॉक उसकी बहुत ज़्यादा प्यारी है ना, दो तीन दफ़ा पहनाई थी उसे, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, भाभी ने स्टिच करके दी थी। तो ये कपड़े भी मैं समर के कपड़ों में रख देती हूँ, और इसे मैं रखती हूँ इधर, और जब तक विंटर नहीं आते ना इसमें रख देती हूँ ये वाले, क्योंकि ज़्यादा मैच इनका ही है, तो इनको मैं इधर रख देती हूँ ऐसे करके। और इसका फीडर का ये वॉशर, फीडर तो वो पीती नहीं है अभी तक भी, और ये ऐसे ही मैंने ले लिया, वैसे ही पड़ा हुआ है। तो और इसमें इसकी रख देते अनार की बैंगल्स, सारी बैंगल्स अनार की रख देती हूँ मैं इस तरीके से। और इसमें सॉक्सेस हो गई, इसमें कैप हो गई, और इसमें ये अनाया का फीडर भी, जिसे अभी तक उसने पिया नहीं फीडर, वो पीती नहीं। तो इसमें हो गए हेयर बैंड, इसमें हो गई कैप्स, रुको इसमें सॉक्स भी है, ये भी एक सॉक, और इसमें रख देते हैं कैप्स अनाया की। और ये क्या, हाँ इसमें वो थी दूसरी चीज़ें। तो इस तरीके से सेटिंग अब ठीक लग रही है, इस तरीके से हो गई है मेरी वार्डरोब की सेटिंग। और नीचे तो अभी ना सेटिंग हुई नहीं है, इधर तो बस वैसे ही अभी मैस है, तो इनकी भी मैं अभी करूँगी, क्योंकि जोहान की जब विंटर शॉपिंग होगी उसके शूज़ वगैरह आएंगे ना, ये सारे, ये भी जोहान के शूज़ हैं, ये वाले भी छोटे छोटे के, मुझे बहुत शौक था उसे जूते पहनाने का, ये भी जोहान के ही हैं, और ये वाले भी जोहान के ही हैं, देखो ये सारे ही जोहान के हैं ये वाले। और ये वाले तो एक दफ़ा भी उसे नहीं पहनाए, अब देखो अनाया को भी आते हैं कि नहीं, तब उससे बड़े थे, रूहान को बड़े थे, अनाया को शायद अब आ जाएंगे। तो और ये मेरी चची सायरा ने बनाए थे ना शूज़, तो ये भी अब अनाया को आ जाएंगे ये वाले भी। तो बाकी मेरी सेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है।